फोर जो है बेटा वो टू का स्क्वायर है और नाइन जो है वो थ्री का स्क्वायर है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहली वर्किंग हमारी यही होगी बेटा कि जब हम इसके ऊपर से स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो फोर के ऊपर से भी स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट के ऊपर से भी स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे ताकि ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर बन जाए। माइनस नाइन किसका स्क्वायर होता है, थ्री का, थ्री एक्स माइनस वाई और इसके ऊपर आएगा होल स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस वाई और इसके ऊपर आएगा होल स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा, तो देखिए टू एक्स प्लस टू की बाहर पावर निकाल दी और थ्री एक्स माइनस वाई की बाहर पावर निकाल दी, तो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो बेटा ए की जगह पर क्या आएगा, टू और ये वाला ब्रैकेट, और बी की जगह पर क्या आएगा, थ्री और ये वाला ब्रैकेट। सही है बेटा, तो हम क्या काम करेंगे जल्दी से देखिए, हम ए प्लस बी यानी ए की जगह लिख देंगे टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री एक्स माइनस वाई, ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, अब इसी तरीके से टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री एक्स माइनस वाई, ये हो गया ए माइनस बी। और से देखिए तमाम बच्चे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब क्या काम कर सकते हैं, हम टू को मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो टू को मल्टीप्लाई करो, टू वन सा टू एक्स, टू टू सा फोर वाई, सीधा थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करो, थ्री वन सा थ्री एक्स और थ्री वन सा थ्री वाई। मल्टीप्लाई कराने का मकसद एक्स वाली टर्म एक साथ हो जाएगी, वाई वाली टर्म एक साथ हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से टू वन सा टू एक्स, टू टू सा फोर वाई, थ्री वन सा थ्री एक्स और माइनस माइनस प्लस थ्री वन सा थ्री वाई। समझ में आ रही है बात, हमने माइनस की साइन को भी मल्टीप्लाई कराया और साथ साथ थ्री को भी मल्टीप्लाई कराया, माइनस प्लस माइनस थ्री वन सा थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री वन सा थ्री वाई। ठीक है बेटा, तो अब देखिए जरा, टू एक्स में फोर वाई को ऐड कर लेंगे, टू एक्स में फोर वाई को, सॉरी एक्स और वाई ऐड थोड़ी होते हैं, एक्स और एक्स को ऐड करेंगे तो टू एक्स में थ्री एक्स जब ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा फाइव एक्स, और फोर वाई में से थ्री वाई को माइनस कर देंगे तो फोर में से थ्री गए प्लस का वाई। इसी तरीके से टू एक्स में से थ्री एक्स को माइनस कर देंगे तो माइनस एक्स, फोर में थ्री प्लस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सेवन वाई। देखो टू में से थ्री जाएंगे तो बड़े नंबर की साइन आनी चाहिए, माइनस और एक्स भी आएगा तो माइनस एक्स प्लस सेवन वाई, ये फैक्टर आपका हो गया और ये आंसर हो गया। समझ में आई बात आपको, जी बेटा कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने जहां पर लार्ज ब्रैकेट लगाया है आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। जी शुरू से एक दफा फिर समझ लें और बाकी सब बच्चे कॉपी कर लें, शाबाश। या ये वाला क्वेश्चन कैसे मालूम चलेगा कि बेटा आपका ये 5.1 से लिंक करता है, ये बात किस तरह पता चलेगी, इसके मालूम चलने की सिर्फ एक रीजन है, वो एक रीजन ये है कि ए स्क्वायर नजर आ रहा है हमें, मतलब एक्स फोर हमें नजर आ रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है जिसमें 16 हमें नजर आ रहा है कि वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। लेकिन इस सवाल में जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो जगह कौन सी है, वो जगह है ए की वैल्यू की। जैसे यहां अगर मैं बात करूं बेटे आप लोगों से, तो मुझे बताइए क्या यहां पर पावर फोर ए के ऊपर है या एक्स के ऊपर है, तो बिल्कुल आप यही बताएंगे कि एक्स के ऊपर है, ये ए के ऊपर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ए के ऊपर होती तो ब्रैकेट लगा होता और उसके ऊपर पावर होती तो हम कहते
कि भाई ये a के ऊपर भी है और ये x के ऊपर भी है, लेकिन क्योंकि ये जो पावर है ना तो ये a के ऊपर है, ये सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं जब a के ऊपर यहां कोई पावर नहीं है, तो बेटा यहां पर भी तो a के ऊपर कोई पावर नहीं है। और फॉर्मूला ये बात कहता है, फॉर्मूला ये बात कहता है बेटा कि आपके पास तो पावर स्क्वायर या स्क्वायर जैसी पावर 4 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां a के ऊपर कोई पावर नहीं है, a के ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन x के ऊपर पावर है 16, एक पावर हो सकती है, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 4 16। तो बेटा हम पहले काम ये करेंगे, जब a के ऊपर पावर ही नहीं है कोई, तो a को कॉमन ले लेते हैं न्यूमिरेटर से। जब a को ऊपर से कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x4 माइनस, जब a बाहर कॉमन आ गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 16। तो अब बताओ भाई, फॉर्मूला बकायदा तौर पर अब नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो बेटा हम अब नेक्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे कि भाई हम इसके ऊपर से स्क्वायर को बाहर निकालें। तो बेटा आपके पास a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसी तरह जब मैं इसके ऊपर से स्क्वायर बाहर निकालूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 16 किसका स्क्वायर हो गया, 4 का। तो बेटा क्या बात समझ में आई, दोबारा देखिए, हमने जब स्क्वायर को बाहर निकाला यहां से, हम स्क्वायर को बाहर क्यों निकालते हैं, रीजन क्या है निकालने का, हम स्क्वायर को बाहर इसलिए निकालते हैं बेटा क्योंकि हमें जो फॉर्मूला चाहिए होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो अगर हम स्क्वायर को बाहर नहीं निकालेंगे तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनेगी और उसके तवस्सुस से कैसे राइट हैंड साइड बनेगी, इन दोनों बातों को समझना जरूरी है। अच्छा बेटा, 7 क्लास ले रहे हैं, पहले मुझे बताइएगा, अगर 7 क्लास ले रहे हैं तो मुझे चैट कर दें यहीं पर ही, ताकि मैं फिर उनको मसला हल कर दूं उनका पास पेपर वाला। सही है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूले के लिहाज से मैंने इसके बाहर स्क्वायर निकाल दिया और इसके बाहर भी स्क्वायर निकाल दिया। अब स्क्वायर निकालने से हुआ ये कि मेरे पास a की वैल्यू पता चल गई और मेरे पास b की वैल्यू पता चल गई, कि जब मैं इसी की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखूंगा, तो बेटा मैं a की जगह x स्क्वायर लिखूंगा और b की जगह 1/4 लिखूंगा। हम यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला देंगे। तो बेटा जल्दी से पहले यहां पर कॉपी करिए, ठीक है, 7 क्लास के एंड में रुक जाना, मैं तुम्हें चैप्टर 3 के पास पेपर शेयर करूंगा, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ए जो कॉमन लिया है सिर्फ वो बाहर लिख देंगे, उसका कोई काम नहीं है, ए सिर्फ बाहर कॉमन लिया है उसको बाहर लिख देंगे, उसका कोई काम नहीं है, वो इसी तरह 7 रहेगा सारी जिंदगी, मतलब आंसर तक। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। x के ऊपर 2 इस वजह से लिखा है क्योंकि देखो यहां 4 है और हमें तो सिर्फ स्क्वायर बाहर निकालना होता है, तो हम जब स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो अंदर 2 बचेगा, अंदर 2 लिखना जरूरी है फिर, वरना क्या फायदा फिर हमने स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अंदर कुछ लिखे ही ना, पावर 4 का फायदा क्या होता फिर, हमें तो स्क्वायर बाहर निकालना होता है। देख लिए भाई, अब देखिए भाई, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले के लिहाज से,
तो बेटा ए इसी तरह बाहर रहेगा और फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4। तो जब हम राइट हैंड साइड से एक्सपेंड करेंगे तो ए की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह आ जाएगा 1/4। ए की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या हमने एक्सपेंड कर दिया और बाहर ए मौजूद है। लेकिन अब सवाल या निशान यहां पर यह है कि अब तुमने एक नया स्टेप समझना है। जो बच्चे यहां अब तक सवाल कर लेते हैं उनके जहन में यही बात होती है कि शायद यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा, जबकि नहीं। यहां जो तुम्हें अब बात समझाऊंगा मैं, ये बिल्कुल ऐसी बात है जो अक्सर टीचर्स को मालूम नहीं होती और वो यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं बच्चों का। और अगर तुम में से किसी भी स्टूडेंट ने यहां तक आंसर छोड़ दिया तो मैथ्स के हवाले से एक चीज और छोड़ दी तुमने, तुम्हें नंबर कम मिलेंगे। तो बेटा यहां अब एक और जगह फॉर्मूला लग रहा है दोबारा यही वाला। अब वो देखो कौन सा वाला फॉर्मूला है, वो कौन सा वाला ब्रैकेट है जिस पे यही फॉर्मूला दोबारा लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? जल्दी से शाबाश। शाबाश दूसरा वाला बेटा। क्यों दूसरा वाला? सेकंड वाला इस वजह से क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लग रहा है। 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां तो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहां प्लस है और प्लस हमारे फॉर्मूले की साइन नहीं होती। हमारी साइन किसकी होती है? माइनस वाली। तो प्लस वाला ऐसे ही लिख देंगे लेकिन माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। तो प्लस वाला ऐसे ही लिख देंगे लेकिन माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। दोबारा समझ लें, इस जगह पर तो एक और जगह फॉर्मूला लग रहा है। बच्चे अक्सर इस जगह पर आंसर लिख देते हैं कि सर ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया, हमें समझ में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस जगह पर दूसरी जगह पर भी फॉर्मूला लग रहा है, आप देख रहे हो। और यहां फॉर्मूला क्या लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सर क्या यहां फॉर्मूला नहीं लग रहा? तो बेटा हमेशा याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही बात? तो अब जरा देखिए, हम इस जगह पर एक काम और करेंगे। इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन इसमें एक काम और करेंगे, हम दोबारा से स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। अब अगर एक्स के ऊपर से स्क्वायर बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स। और 1/4 से स्क्वायर बाहर गया तो बेटा 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो आप देख रहे हो एक दफा और फॉर्मूला लग रहा है यही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन अब के बाहर आपका ए क्या है? एक्स। और बी क्या है? 1/2। जबकि पहले पास ए क्या था? एक्स स्क्वायर। और बी क्या था? 1/4। तो बेटा जब हम इसको एक दफा और एक्सपेंड करेंगे तो बेटा ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या होगा? ए की जगह आ जाएगा एक्स, बीच में आ रहा है प्लस, बी की जगह आ जाएगा 1/2।
इसी तरह ए की जगह आ जाएगा एक्स, बी की जगह आ जाएगा वन अपॉइंट टू। अब किताब में आपका ये आंसर अरेंज करके दिया हुआ है, पहले प्लस फिर माइनस और फिर स्क्वायर वाला, और ए इसी तरह बाहर रहेगा। ए को हमने एक ही दफा बाहर निकाल दिया है और ए को बाहर ही रखेंगे, क्योंकि ए अगर बाहर नहीं आता तो कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप पिछले क्वेश्चन पे जाओ तो कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा था कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला एक दफा लगाने के बाद दूसरी दफा भी फॉर्मूला लग रहा हो, नहीं हो रहा था ऐसा। आप जाके खुद चेक कर लीजिए, कहीं पर स्क्वायर नहीं होगा तो कहीं पर नंबर ऐसा लिखा होगा जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। सपोज कर लो बेटा, अगर यहाँ फाइव होता लिखा हुआ तो हम इसको दोबारा नहीं खोलते, क्योंकि फाइव किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इस बात को समझ लो बेटा कि यहां पर फोर टू का स्क्वायर है तभी हम दोबारा फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसी तरीके से यहां नाइन का नाइन लिखा होता तो नाइन भी किसका स्क्वायर होता है, थ्री का, तो हम दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां ऐसा कोई नंबर आ जाए जो किसी का स्क्वायर ना हो, फोर सिक्स फाइव फाइव सिक्स सेवन, तो फिर हम उसको यहीं पे छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पिछले सवालों में हमारा आंसर यही तक था, लेकिन इस सवाल में हमारा आंसर इससे ऊपर क्यों जा रहा है, उसका रीजन ये है, इसका रीजन इस बात पर है कि बेटा, इसका रीजन इस बात पर है कि हम इस जगह नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये नया फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला दोबारा लगता हुआ नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वन अपॉन फोर जो है वो वन अपॉन टू बन सकता है, लेकिन 1 अपॉन 5 कुछ स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए इस जगह फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोबारा आपने इसको एक्सपेंड किया ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसको अरेंज कर लिया बस, और यही आपका आंसर है। समझ में आई बात, क्योंकि बेटा टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक मिनट का वक्फा रह गया है। आप तमाम बच्चे जल्दी से कॉपी करिए इसको, शाबाश, और कॉपी ना कर सके तो स्क्रीन शॉट ले लें, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लीजिएगा। देखो लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया हमने, हमने ब्रैकेट्स को अरेंज कर लिया, पहले वो वाले ब्रैकेट लिखे जिनकी कोई पावर नहीं है, फिर वो ब्रैकेट लिखा जिनकी पावर है, पावर को अरेंज किया है। शाबाश, तमाम बच्चों को क्लियर है। कल हम पास पेपर से क्वेश्चन करेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा। कल का जो काम दूंगा वो अगले हफ्ते आपको यहां बुलवा के चेक करवाऊंगा, इसलिए कल जो काम दूंगा, कल जो काम करवाऊंगा वो आप नेक्स्ट वीक यहां पर आकर दिखाएंगे मुझे, ठीक है बेटा।